नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नांदेड़ जिले में एक गुरुद्वारे में मत्था टेका है। यात्रा के सोमवार रात तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश के बाद मंगलवार सुबह कांग्रेस सांसद ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर सिंह के ही फतेह सिंह जी में मत्था टेका है। बता दें आपको कि पार्टी ने ट्वीट किया है, गुरुद्वारे में गांधी ने सौहार्द और समानता के लिए प्रार्थना की है और पार्टी पदाधिकारी ने बताया है कि पदयात्रा मंगलवार सुबह नांदेड़ जिले के ही बिलोली में स्थित अतकाली गुरुद्वारे से शुरू होगी और रात को राहुल गांधी की योजना बिलोली के ही गोदावली और मंतर चीनी मिल मैदान में रुकने की है। सोमवार रात मशाल लेकर महाराष्ट्र में प्रवेश करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी जैसी केंद्र की गलत नीतियां और माल और सेवा कर को खराब तरीके से लागू करने के कारण लघु और मध्यम उद्यम व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान वो राज्य के लोगों की तकलीफें सुनेंगे और राहुल गांधी ने कहा कि कोई ताकत उनकी यात्रा को रोक नहीं सकती जो श्रीनगर में संपन्न हो। और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के ही कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई और आज उसका 61वां दिन है। और कांग्रेस द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली जो रहेगी नांदेड़ जिले में ही 10 नवंबर को और दूसरी रैली बुढ़ाड़ा जिले के ही सो गांव में ही 18 नवंबर को होगी और राज्य में यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस दौरान ही 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार 4 दिन नांदेड़ जिले में पदयात्रा की जाएगी और ये यात्रा 11 नवंबर को हिंगोली जिले में ही, 15 नवंबर को वाशिम और 16 नवंबर को अकोला और 18 नवंबर को बुढ़ाला से गुजरेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। वे 95 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के ही जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचे और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। अयोध्या आंदोलन का सूत्रपात का ही भारत वर्ष की राजनीति को नई धारा देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी आज 96 साल के हो गए हैं। बीजेपी के पिता मह लाल कृष्ण आडवाणी 1992 के अयोध्या आंदोलन के नायक रहे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर ही 1990 में ही गुजरात उनकी रथ यात्रा ने भारत के सामाजिक और इसके साथ ही ताने बाने का अंदर तक असर डाला। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म अविभाजित भारत के सिंह प्रांत में ही 8 नवंबर 1923 को हुआ था। पिता का नाम था कृष्ण चंद्र डी आडवाणी और माता थी ज्ञानी देवी। पाकिस्तान के कराची में स्कूल में पढ़े और सिंध में कॉलेज में दाखिला लिया और जब देश का विभाजन हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर उन्होंने कानून की शिक्षा ली। आडवाणी जब 14 साल के थे तभी संघ से जुड़ गए थे और भारत में 1951 में ही वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ से जुड़े और 1977 में ही जनता पार्टी में ही जुड़े। फिर 1980 में आई बीजेपी के साथ आडवाणी ने भारतीय राजनीति की ही धारा बदल दी और आडवाणी ने ही आधुनिक भारत में हिंदुत्व की राजनीति से प्रयोग किया। उनका ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी 1984 में ही 2 सीटों के सफर से शुरुआत कर 2019 में ही 303 सीटों पर आ चुकी है और विश्व हिंदू परिषद 1980 में ही राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू कर चुकी थी, लेकिन तब इस आंदोलन के कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण हासिल नहीं था। आडवाणी इस मौके पर ही भाप गए कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के लहर में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी और आपको बता दें जिसके बाद बीजेपी ने इस आंदोलन को औपचारिकता रूप से ही समर्थन देना शुरू कर दिया था और पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। आडवाणी खुलकर इसके समर्थन में आए और इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ और पार्टी की सीटें 2 से बढ़कर
आगे बढ़ गई और इसके बाद ही आडवाणी पूरी ताकत के साथ ही इस आंदोलन से जुड़ गए और एक राजनीति के तहत ही उन्होंने रथ यात्रा की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने प्रस्थान बिंदु चुना और गुजरात का सोमनाथ मंदिर और रथ यात्रा का समापन होना था अयोध्या में। इन दोनों ही स्थापनों के लिए ही भारतीय जनमानस में ही एक धारणा थी कि ये दोनों ही स्थान इस्लामी संस्थाओं के हमले पर शिकार हो चुके थे। आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को ही राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने की खातिर सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी और इस रथ यात्रा ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। आडवाणी अपने जोशीले और तेजस्वी भाषणों की वजह से हिंदुत्व में नायक बन गए और हिंदी पट्टी राज्य में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जबरदस्त बढ़ा। हालांकि इस रथ यात्रा के दौरान भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य का भाव पनपा और आडवाणी का इरादा राज्य दर राज्य होते हुए 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचने का था, जहां वो मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए ही होने वाली कार सेवा में शामिल होने वाले थे। लेकिन आडवाणी के बरक्स के बिहार में ही एक अपोजिट धुरी की राजनीति जन्म ले चुकी थी। इसके नायक थे लालू यादव। लालू यादव आडवाणी के ही विपरीत विचारधारा की राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे। आडवाणी की रथ यात्रा जब बिहार से समस्तीपुर पहुंची तो 23 अक्टूबर को उन्हें तत्कालीन सीएम लालू यादव के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है, अभी की क्या अपडेट है? बिल्कुल, अगर बात की जाए लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन को लेकर तो पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है दरअसल वो शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही है। 95 साल के लालकेश आडवाणी हो गए। इसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर जाकर उनको शुभकामनाएं दी, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो है लालकेश आडवाणी को जन्मदिन दिए और शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी जिंदगी की कामना की गई। दरअसल आपको बताएं, अगर लालकेश आडवाणी के जीवन के ऊपर बात की जाए तो 8 नवंबर 1927 को उनका जन्मदिन हुआ था और उसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में वो जन्मे थे। और इनके पिता का जो नाम था, जैसे आपने बताया, कृष्णचंद डी आडवाणी और मां ज्ञानी देवी थी। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की जो सियासत का सफर शुरू हुआ वो कानून की पढ़ाई करने के बाद, जब वो आरएसएस से जुड़े उसके बाद से उनके कानून की जो पढ़ाई है वो शुरू हुई। लेकिन जो पीक जो उनकी सियासत का आया वो दरअसल राम मंदिर को लेकर आया, जब उन्होंने राम यात्रा निकालना शुरू की। उसको लेकर लगातार वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में जाते रहे और वहां पर उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, जिसके बाद लालकेश आडवाणी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उभरते हुए नजर आए और एक नई छवि और एक नई सियासत हिंदुस्तान के अंदर लालकेश आडवाणी रखते हुए दिखाई दिए। जी शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में हुए गैंगरेप के मामले में सभी 3 आरोपियों के बरी होने के बाद पीड़ित ने ही माता पिता ने कहा कि हम न केवल जंग हार गए हैं बल्कि हमारी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। पीड़िता के पिता ने ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जो अन्य निराश किया है और 11 साल से ज़्यादा समय तक लड़ाई लड़ने के बाद न्यायपालिका से उनका विश्वास उठ गया है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सिस्टम उनकी गरीबी का फायदा उठा है और साल 2014 में एक निचली ने ही मामले को दुर्लभ बताते हुए 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को लेकर बरकरार रखा और 3 लोगों पर फरवरी 2012 में 19 साल की युवती के अपहरण, बलात्कार और बेरहमी से हत्या करने का आरोप है और अपहरण के 3 दिन बाद ही उसका छत बिछत शव मिला था। और पीड़ित की मां ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर फूट फूट कर रोते हुए कहा कि 11 साल
बाद भी ये फैसला आया है, हम हार गए, हम जंग हार गए। मैं उम्मीद के साथ जी रही थी, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। पीड़िता के पिता ने कहा कि अपराधियों के साथ जो होना था वो हमारे साथ हुआ। उन्होंने कहा कि 11 साल से हम दर दर भटक रहे थे, लेकिन हमें अन्याय जो है वो नहीं मिला और निचली अदालत ने भी अपना फैसला सुनाया, हमें राहत मिली। हाई कोर्ट में से भी हमें आश्वासन मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश किया और अपराधियों के साथ जो होना था वो हमारे साथ हुआ। इस बीच महिला अधिकार भी कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और कोर्ट परिसर के बाहर ही पीड़ित के माता पिता के साथ मौजूद कार्यकर्ता योगिता व्या ने कहा कि मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ और सुबह हमें पूरी उम्मीद थी कि शीर्ष अदालत मौत की सजा को बरकरार रखेगी और हमें ये भी लगता था कि वे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद बछेदी ने पिछले 10 साल से न्याय की लड़ाई में परिवार का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पिछले 10 साल से परिवार का समर्थन कर रहे हैं। घटना 9 फरवरी 2022 को हुई और 10 महीने बाद निर्भया सामूहिक बलात्कार हुआ। पीड़िता अपने परिवार का खर्च भी उठा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में छावला जो हमारी उत्तराखंड की निर्भया जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आज हमें पूरी उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला आना था। बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इससे हमें कि फांसी होगी उन गरीबों को। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अभी परिवार से बात कर रहे थे कि आजीवन कारावास हो गया तब भी हमने आवाज़ उठानी थी, क्योंकि हम उससे भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ऐसे दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। पर अचंभा हुआ और मेरा आज इस न्यायालय से या किसी भी न्यायालय से, हिंदुस्तान के संविधान से विश्वास उठ गया जब उन्हें आज बरी कर दिया गया। आज ये फैसला सुन के टूट चुके हैं हम और कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जहां पर ऐसे ऐसे दरिंदों को भी माफ़ी मिल सकती है इस देश में। तो इस देश में क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या मैं सुरक्षित महसूस करूँगी? दरिंदे शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सरकार के ही 2016 के नोटबंदी के कदम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी तक इस बड़ी विफलता को स्वीकार नहीं किया है जिसके कारण अर्थव्यवस्था खराब की हालत में है। और इसके साथ ही छठी वर्षगांठ से एक दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट पर खड़गे ने टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में कहा था कि जनता के पास मुद्रा 21 अक्टूबर तक 30.88 लाख करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि नोटबंदी से देश को काले धन से मुक्त करने का वादा किया गया था, लेकिन इतने व्यवसाय को नष्ट कर दिया और नौकरियों को बर्बाद कर दिया। और इसके साथ ही 6 साल बाद सार्वजनिक रूप से ही उपलब्ध नकदी और 2016 की तुलना में 72% अधिक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी तक इस विफलता को स्वीकार नहीं किया है जिसके कारण अर्थव्यवस्था गिरी है। इसके बाद ही हिंदी में ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि काला धन नहीं आया, सिर्फ गरीबी आई है, अर्थव्यवस्था के कलेश आए हैं और इसके साथ ही कमज़ोर हुई है। और उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण में भी राजा ने 50 दिनों की बात करके अर्थव्यवस्था का डिमोलाइजेशन किया है। और RBI के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर 2022 तक देश की जनता के पास नकदी बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 4 नवंबर 2016 तक ही 17.7 लाख करोड़ रुपए चलन में थे। और जनता के पास नकदी या मुद्रा का मतलब उन नोटों और सिक्कों से माना जाता है और जिनका इस्तेमाल लोन लेन देन करने, व्यापार करने या सामान और व्यवसाय और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। प्रचलन में मुद्रा से बैंकों में जमा पैसों को घटाकर यह आंकड़ा निकाला जाता है। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काले धन को कम करने के अंतिम उद्देश्य के साथ ही 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के निर्णय की घोषणा की थी।
लखनऊ में प्रियंका चोपड़ा का विरोध पोस्टर लगाकर कहा गया है कि तुम्हारा स्वागत नहीं। प्रियंका चोपड़ा 3 सालों के लंबे समय के बाद भारत आई हैं और प्रियंका लगातार सोशल मीडिया पर अपने भारत दौरे की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं। पहले माना जा रहा था कि मुंबई में अपने हेयर प्रोडक्ट नॉर्मली का भी प्रमोशन करने के लिए प्रियंका आई हैं, लेकिन मुंबई के बाद अब प्रियंका चोपड़ा लखनऊ में है। लखनऊ में उन्हें सोमवार को ही अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते और बच्चों से मिलते देखा गया था और इस बीच ही उनका विरोध भी शुरू हो गया है। लखनऊ के गोमती नगर में प्रियंका चोपड़ा के विरोध में ही पोस्टर लगाए गए और पोस्टर में लिखा गया है कि यू आर नॉट वेलकम इन सिटी ऑफ नवाब्स, यानी नवाबों के शहर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के प्रोग्राम के लिए तहत ही 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ में हैं। गोमती नगर के संत मुलक चौराहे के पास एक्ट्रेस के विरोध में पोस्टर लगाया गया था और ये पोस्टर किसने लगवाए हैं इसके बारे में गोमती नगर पुलिस अभी तक जाँच कर रही है। अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है और प्रियंका चोपड़ा लखनऊ में 2 दिन के लिए मौजूद हैं और इस दौरान वो यूनिसेफ के तरफ से ही कई प्रोग्राम अटेंड करेंगी और सोमवार को उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में जाकर स्कूल की गतिविधियों में शामिल हुई आंगनबाड़ी केंद्र में मीना मंच से रूबरू हुई गतिविधियों का अवलोकन किया और अब मंगलवार को एक्ट्रेस लोक बंधु अस्पताल जाएंगी और वन स्टॉप सेंटर 181 महिला हेल्पलाइन जाएंगी और इसके अलावा वो न्यू बॉर्न केयर यूनिट और महिला चिकित्सालय के साथ गोमती नगर में मौजूद यूनिसेफ कार्यालय पहुंचेंगी और लखनऊ में आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कई वीडियो और फोटो शेयर किए थे। उनका वीडियो वायरल हुआ था और इसमें उन्हें लॉगिंग असमानता के बारे में बात करते देखा गया था। वीडियो में प्रियंका कह रही थी, अभी मैं यूनिसेफ के साथ भारत के लखनऊ में हूँ और हम लड़कियों के खिलाफ हिंसा भेदभाव को ख़त्म करने के उद्देश्य से किए गए काम को देखने के लिए यूनिसेफ के अलग अलग भागीदारों के पास जा रहे हैं। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सुनूंगी और समाधान देखूंगी क्योंकि बड़े पैमाने पर समाधान की ज़रूरत है। इसी खबर पर लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ दानिश वार से जुड़ चुके हैं। दानिश, प्रियंका चोपड़ा का विरोध हुआ है लखनऊ में, पूरी अपडेट क्या है, क्यों ये विरोध किया जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, लखनऊ के दौरे पर प्रियंका चोपड़ा आई थी और यूनिसेफ के कार्यक्रम को लेकर के उनका दौरा था। इस दौरे को लेकर के जब प्रियंका चोपड़ा 10 नंबर चौराहे पर थी तो 10 नंबर चौराहे पर एक फैन कह सकता हूँ या प्रशासन उनको देखने के लिए वो उत्सुक था तो दीवार फांग करके जब प्रियंका चोपड़ा से मिलने की कोशिश करने लगा तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिसको लेकर के प्रियंका चोपड़ा का विरोध शुरू होने लगा और प्रियंका चोपड़ा की उस वक्त तकरीर होने लगी थी। और उसको अरेस्ट करने के साथ जो युवा पीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं भड़क गई और उसके दूसरे दिन जो है शाम को एक पोस्टर लगा दिया गया लखनऊ में जिसमें लिखा था कि यू आर नॉट वेलकम इन द लखनऊ नवाब सिटी, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में आपका स्वागत नहीं है और आप वापस जा सकते हैं। तो इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है कि ये किस संगठन ने किया है, किसने किया है। हालांकि प्रियंका चोपड़ा जो यूनिसेफ के दौरे से थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी उनका दौरा था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये जो दो क्रिटिकल जो हुई, जैसे कि एक युवक जो है उनसे मिलने की कोशिश करने लगा दीवाल फांग कर तो उसको मौके पर अरेस्ट कर लिया गया, कुछ बनारस की इस बात को लेकर ये बताया जा रही है। दूसरा, लखनऊ के अंदर प्रियंका चोपड़ा के जो कार्यक्रम को लेकर था उसमें कुछ संगठन आवाज चल रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि शांति का जनपद है लखनऊ नवाबों का, यहाँ पर आपका कोई स्वागत नहीं है, इसको लेकर के एक मामला अभी राजनीति पकड़ता जा रहा है और इसमें शायद पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि दानिश अभी तक इसको लेकर कोई कारण साफ हो पाया है कि क्यों विरोध किया जा रहा है प्रियंका चोपड़ा का? देखिए, पहला कारण जो सामने आ रहा है वो ये था कि एक फैन प्रियंका चोपड़ा से लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर वो वहाँ कार्यक्रम कर रही थी महिलाओं को लेकर के, तो एक प्रशासक उनसे मिलना चाहता था, वो दीवार फांद कर उनसे मिलने की कोशिश करने लगा, आनंद वानंद में उसको हाउस को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। जब अरेस्ट कर लिया गया तो इसके लेकर के भी कुछ लोगों ने नाराजगी जताई जो उनके फैन थे। और दूसरा मुद्दा ये बताया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा जो बात करने आई यूनिसेफ की या महिलाओं को लेकर, यहाँ का सुरक्षा को लेकर के ऐसे कोई मुद्दे नहीं दिख रहे, जिसको लेकर के पोस्टर वार हुआ है, तो पोस्टर वार में प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ यूपी की राजनीति को भी निशाने पर लिया गया है, तो यह कह सकता हूँ कि यूपी सरकार के महिला सुरक्षा के कारणों को भी निशाने पर लिया गया है।
दो कारण हो सकते हैं, हालांकि इनपे अभी कभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अपडेट फिलहाल इतनी ही है कि कुछ लोग उनसे मिलना चाहते थे इसलिए उनको उनके साथ उत्पीड़न हुआ या उनको रेस्ट कर लिया इसलिए नाराज थे, तो कुछ लोग महिलाओं की सुरक्षा की ये बातें कर रहे थे इसलिए उनको पसंद नहीं आया कि महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध चरम पर है। इसको लेकर भी प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर वार हुआ है। ये पोस्टर वार किसने किया है, किस संगठन ने किया है, कौन लोग इसमें, इसकी अभी फिलहाल जाँच चल रही है। बिल्कुल दानिश, अभी जांच चल रही है कि इसके पीछे कारण क्या है और इसने ये पोस्टर जो लगाए हैं वो आरोपी कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र के ही पंचाल घाट गंगा घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देर रात से ही श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना लगातार जारी था और लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम के लिए चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। तो आपको बता दें फर्रुखाबाद में लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे हैं जहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कार्तिका पूर्णिमा का अवसर है जिस पर लाखों तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी खबर पर फर्रुखाबाद से संवाददाता आदेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पहुंच चुके हैं, अभी की क्या अपडेट है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में आसपास के जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रात से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, इसलिए क्योंकि आज सुबह से ही 9:01 से चंद्र ग्रहण लगने जा रहा था। जिस तरीके से चंद्र ग्रहण लगा है उस तरीके से श्रद्धालुओं ने जल्द पहुंचकर गंगा स्नान किया और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। जी लाखों के श्रद्धालु यहाँ पे दिख रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जो सीमाएं थे उनको रोड को डायवर्जन कर दिया, बड़े वाहन सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। जिस तरीके से फर्रुखाबाद में पंचाल घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगा स्नान के लिए, उसी तरीके से पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहली नजर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, श्रद्धालु स्नान करके आराम से पूजा पाठ कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के ही संकुंतला देवी इंटर कॉलेज से शिक्षक की गुंडई का मामला सामने आया है। दरअसल शिक्षक की मारपीट से छात्र के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि स्कूल के शिक्षक शैलेंद्र राजपूत ने छात्र के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की है। वहीं छात्र के परिजनों ने शिक्षक पर बर्बरतापूर्वक मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। छात्र के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी है। बलरामपुर में सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण के ही आसपास हरे भरे पेड़ों का कटान लगातार जारी है। निजी भूमि लगाए गए पेड़ों का कटान हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर वन विभाग के अधिकारी कटान का परमिशन भी दे रहे हैं और इसके साथ ही जंगल के तमाम हिस्सों में भी कटान माफिया सक्रिय नजर आ रहा है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के ही नौरंगाबाद में प्रेम प्रसंग से प्रेमिका के घर मिलने पहुंचे प्रेमी के परिजनों से विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलने से प्रेमी घायल भी हो गया है। दरअसल एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से उसके परिजनों की गैर मौजूदगी में मिलने उसके घर पहुंच गया, जहां इसकी भनक जैसे ही परिजनों को लगी तो परिजनों के द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई और इस दौरान ही प्रेमी के पास मौजूद तमंचे से गोली चल गई और जिससे प्रेमी बुरी तरीके से जख्मी हो गया। सूचना पर प्रेमी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। प्रेमी और प्रेमिका के परिजन एक दूसरे के सामने आ गए, जिसको लेकर घंटों भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें अलीगढ़ से खबर है जहां पर विवाद के चलते ही प्रेमी जख्मी बताया जा रहा है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विवाद में ही गोली चलने से प्रेमी घायल बताया जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। प्रेमी दिलीप अपनी प्रेमिका से मिलने वहां आया था तमंचा लेकर।
वहाँ पर उसके पति से उसकी चीना झपटी में गोली चल गई जो दिलीप के जांग में लगी है, वो खतरे से बाहर है, उसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। तवंचा मौके से बरामद हो गया है, तहरीर पंजीकृत किया जाएगा। इसी खबर पर अलीगढ़ से संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया जहां पर गोली चलने से प्रेमी घायल बताया जा रहा है, कोई अपडेट क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ये थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद का पूरा मामला है, जहां पर जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका से मिलने जो है गया हुआ था, और जहां पर उनके परिजनों की गैर मौजूदगी में जो मिलने गया हुआ था, किसी तरह परिजनों को इसकी भनक लग गई और परिजन मौके पर घर पर पहुंच गए, और जिसमें जो है कारसुनी हो गई। कारसुनी को लेकर के वहां मारपीट शुरू हो गई, किसी दौरान वहां गोलीबाजी के कारण जो है प्रेमी के पैर में गोली लगी। स्थानीय लोगों ने जो है पुलिस को पूरी मामले की जानकारी दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो घायल जो प्रेमी है उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। आकाश, प्रेमी के परिजनों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, पूरे विवाद को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामले जब प्रकाश पे आया तो प्रेमी के जो परिजन है वो भी मौके पर पहुंच गए और दोनों ही बच्चे आमने सामने आ गए, जिसको लेकर के काफी विवाद बढ़ने की आशंका थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के कारण पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने जो है मामले को शांत कराया है और जो प्रेमी है घायल प्रेमी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।